चलिए आइए ले चलते हैं आपको ईंट का भट्टा रचने की ओर, कि ईंट का भट्टा कैसा रचा जाता है। मैं डॉक्टर दिनेश गौतम आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ईंट का भट्टा कैसा रचा जाता है। आप देख रहे हैं ये नीचे लाल जो ईंटें हैं, ये इसका बेस बनाया हुआ है जिसको पहिया कहते हैं लोकल भाषा में, और उसके ऊपर ये क्या रच रहे हैं दिनेश जी आप? रद्दा। और रद्दा के ऊपर ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं चिमनी। ये क्या करती है कि जब हम इसमें ईंधन डालते हैं तो उससे धुआं निकलता है। दिनेश जी कितने साल से कर रहे हैं काम आप? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गया। अब इसको ऐसे ही इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे बाहर की ओर, है ना? हाँ।